नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। ललितपुर में खुले आसमान के नीचे ही व्यापार करने को मजबूर है फल और सब्जी विक्रेता। आड़तिया कई बार कर चुके हैं स्थायी जगह की मांग, लेकिन प्रशासन केवल आश्वासन देता है। आपको बताते चले कि फल और सब्जी विक्रेताओं को मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते हुए पूर्व स्थल नजाई बाजार से नवीन गल्ला मंडी ललितपुर के लिए स्थायी तौर पर भेज दिया गया था, जहां पर हम सभी व्यापारियों ने साल के सभी मौसम देख लिए हैं। खुले में व्यापार करना बहुत ही कठिन है। वहीं गल्ला व्यापारियों की दुकानों के सामने हम सभी को दुकानें लगानी पड़ रही हैं, जिससे आए दिन गल्ला व्यापारियों से भी झगड़े की स्थिति बनी रहती है और उन्हें भी असुविधा होती है। वहीं गल्ला व्यापारी भी मांग कर चुके हैं कि सब्जी मंडी को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा हमेशा ताला मटोली ही की जा रही है। अब आने वाले समय में चैत की फसल पूर्ण होने के बाद गल्ला मंडी में स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि जिले के सभी किसान अपना अनाज बेचने के लिए नवीन गल्ला मंडी आते हैं, जिससे गल्ला मंडी परिषद में पैर रखने तक कोई जगह नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में हम फल और सब्जी विक्रेताओं को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम सभी फल और सब्जी विक्रेताओं को स्थायी तौर पर जगह दे दी जाए, अन्यथा की स्थिति में सब्जी मंडी व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नाम है, कहाँ से आए, क्या समस्या है? भाई, हम लोग सब्जी मंडी वाले हैं और मंडी की समस्या है। हम लोग इतने दिनों से दे रहे हैं, पहले चीज दे रहे हैं लिखित हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ पे। आज हम लोगों ने दिया है, उनसे बोला है, उन्होंने हम लोगों को 8 दिन का आश्वासन दिया है और हम लोगों ने भी उनसे मांग की है कि या तो प्रशासन हमें लोगों को जगह दे दे, और नहीं दे दे तो हम लोगों को बता दे कि हम लोग कारोबार बंद कर दें। तो जब हम लोगों को जगह मिल जाएगी तो जब हम लोग फिर कारोबार चालू कर लेंगे। इस वक्त अभी कहाँ आए हो आप? हम लोग कलेक्टेड आए हुए हैं, राज्य मंत्री साहब को दिया हुआ है, विधायक जी को दिया हुआ है और महोदय जी को दिया हुआ है। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया है? उन्होंने हमें 8 दिन का आश्वासन दिया है कि आप लोगों को 8 दिन में हम कुछ ना कुछ निर्णय कर निकाल देंगे, 8 दिन बाद आप लोग मुझसे मिले। अगर 8 दिन के बाद अगर आप का आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो इसके बाद क्या करोगे आप? आपको फिर साहब बताएंगे, देखते हैं आके। अभी तो कोई विचार बनाया नहीं कि 8 दिन बाद क्या करेंगे।